एक बात आपको खास करके ध्यान देना है, जिस तरह से ये जो मेरी कटिंग है ठीक है, थोड़ा सा कैमरा मैन से मैं कहूँगा यहाँ पर थोड़ा सा दिखाएं, जैसे मेरी ये कटिंग एक इंची बची है ठीक है, तो यहाँ पर करना क्या है, थोड़ा सा कटर को आहिस्ता आहिस्ता चलाना है ताकि जो कोना टूटने के चांस होते हैं गाइस इसी जगह पर होते हैं, सबसे ज़्यादा जो कोने टूटते हैं तो इसी जगह पर टूटता है, तो कटर को थोड़ा सा आप जोर कम लगाएं ताकि जो है ये कोना झड़ ना पाए, बिल्कुल ही आराम आराम से यहाँ पर कटिंग को लेकर। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका टेक्निकल मार्वल में। दोस्तों आज जो है मैं आपको स्कॉटिंग कटिंग करने का फर्मा बना के मतलब दिखाने वाला हूँ, जिस तरह से ये देख सकते हैं आप, मैंने फर्मा यहाँ पर बना रखा है, तो यहाँ पर आज मैं आपको स्कॉटिंग काटना सिखाऊंगा कि भाई स्कॉटिंग आप किस तरह से काट सकते हो, और उसका साइज भी आपको बताऊंगा अभी, उसका साइज आप कैसे बना सकते हो, मतलब 4 इंची से छोटा या 6 इंची या 5, मतलब कोई भी साइज की आप स्कॉटिंग काट सकते हो, बड़े ही सिंपल तरीके से आपको समझाऊंगा, मैं ज़्यादा उलझाने वाला तो हूँ नहीं आपको, सिंपल तरीके से आपको समझा दूंगा कि भाई किस तरह से स्कॉटिंग काटनी है। तो भाई सबसे पहले तो आपको एक फर्मा बनाना होगा, जिस तरह से मैंने ये फर्मा बना रखा है, तो सबसे पहले आपको करना क्या होगा, इसको एक ऊंचा करके एक चौतरा टाइप मतलब बना लेगा, थड़ा टाइप इसको बनाना होगा आपको। तो एक जो पीस है गाइस, इससे मैंने ऊंचा लगाया है, ये तकरीबन ये मेरा पीस जो है 10 mm इससे ऊंचा लगा हुआ है ये वाले पीस से, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ लोग गलती क्या करते हैं कि वो ये पीस नहीं लगाते हैं, सिर्फ मसाला ही डाल देते हैं, तो मतलब उससे हमें दिक्कत क्या आती है, हमारी कोने वगैरह टूटने लगते हैं, कोने झड़ने लगते हैं, जैसे आप स्कॉटिंग काटते जाते हो लास्ट में कोना थोड़ा सा झड़ जाता है, तो हमें ये शिकायत आने लगी थी। तो इसके लिए हमने यहाँ पर एक इसका सलूशन लेकर आए हैं, एक ये पीस हमने लगाया, इससे क्या हमें मतलब फ़ायदे होंगे, इसके फ़ायदे गाइस ये होंगे, जिस तरह से आप स्कॉटिंग काटते हो तो लास्ट में जब आप थोड़ा सा पीस रह जाता है तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा जो चांस होते हैं कोना झड़ने के, तो इस तरह की इसमें प्रॉब्लम कोई भी नहीं आएगी आपको, अगर आप इस तरह का एक पीस लगा लोगे तो आपको कोई भी समस्या नहीं आएगी कोने वगैरह झड़ने के, आप इसमें कोई भी कटिंग कर सकते हो, एलिवेशन टाइल कटिंग कर सकते हो, बाथरूम टाइल कटिंग कर सकते हो, पिलर की टाइल कटिंग कर सकते हो, इस तरह से एक बार आप बना लो तो आपकी पूरी बिल्डिंग में आप ये काम आएगा, ये थड़ा किसी भी प्रकार की आप कटिंग कर सकते हो, क्योंकि कुछ लोग करते हैं भाई सैंड से मतलब सैंड बिछाकर बालू बिछाकर टाइल की कटिंग करने लगते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है उसमें टाइल का, आपने देखी हो कुछ कई भी टाइल जो है सेंटर से टूट जाती है, कोई टाइल कहीं से टूट जाती है, तो उस तरह से जो है टाइल टूटने के काफ़ी ज़्यादा चांस होते हैं। इसमें क्या होता है भाई, ज़्यादा से ज़्यादा इसमें आधी बोरी सीमेंट लगी है बस, आधी बोरी सीमेंट के बाद आप पूरी ही बिल्डिंग की इसमें टाइल कटिंग कर सकते हो, कोई भी इसमें दिक्कत नहीं है। हमने यहाँ पर जो कटिंग यूज़ की है, हमारे जो वेस्टेज टाइल थी गाइस, हमने यहाँ पर वो यूज़ की है, कोई भी हमने यहाँ पर साबुत जो है पीस कोई भी यूज़ नहीं किया है, आप देख सकते हैं, इससे हमारे फ़ायदे काफ़ी हैं और हमारी कटिंग भी पूरी सीधी होगी। ये जो हमने ये वाली जो धार लगाई है गाइस, ये कंपनी की धार है कटिंग वाली, तो ये पूरी बिल्कुल सीधी है। उसके बाद गाइस मैंने यहाँ पर कोई भी जो टुकड़ा यूज़ किया है, तो सारे ही मैंने तकरीबन वेस्ट टाइल जो है यहाँ पर मैंने यूज़ की है, देख सकते हैं आप। तो चलो गाइस, अब मैं आपको जो है मैं स्कॉटिंग काटने के बारे में समझाने वाला हूँ, तो आपसे रिक्वेस्ट गाइस यही है कि आप वीडियो में बने रहें, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, क्योंकि गाइस अगर आप वीडियो को स्किप कर देते हो तो उसमें होता क्या है, आपको प्रॉपर जो है आपको समझ नहीं लगता है कि भाई स्कॉटिंग जो है किस तरह से कटिंग करी, फिर भाई आप बाद में कमेंट करोगे कि भाई हमारे समझ में नहीं आया कि ये साइज़ क्या है, बहुत से लोग कमेंट करते हैं मुझे कि भाई किस तरह से क्या करना है, तो मतलब उनके लिए यही है कि आप वीडियो जो है लगातार देखें ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए, अगर आप स्किप करोगे तो उसमें आपका ही नुकसान है, क्योंकि गाइस मैं तो पूरी कोशिश करता हूँ कि आपको अच्छी तरह समझाऊँ, मेरी हर वीडियो में यही कोशिश होती है कि आपको अच्छी तरह से मैं समझाऊँ, अगर आप गाइस वीडियो देखोगे आप समझोगे, क्योंकि जो मेरी कोई भी वीडियो होती है सिर्फ वो इसीलिए बनाता हूँ ताकि आप अच्छी तरह से सीख सको, कोई भी चीज़ है अच्छी तरह से आप सीख सको, नॉलेज ले सको, क्योंकि जो भी मैं वीडियो बनाता हूँ टाइल लगाने की या टाइल कटिंग करने की, सिर्फ मैं मेरा मेन मकसद यही है ताकि मैं आपको कुछ सिखा सकूँ और आपसे मैं सीख सकूँ, ठीक है गाइस। चलो अब मैं आपको जो है मैं स्कॉटिंग काटने के बारे में समझाने वाला हूँ, तो गाइस यहाँ पर जो मैं स्कॉटिंग काटने वाला हूँ तो मैं 4 इंच की स्कॉटिंग काटूँगा, और आपको इस वीडियो में ये भी समझा दूँगा कि अगर आप 4 से छोटी काटना चाहते हो या 3 की काटना चाहते हो या 3.5 की काटना चाहते हो, सब कोई मतलब मेरा कहने का मतलब ये है, सिंपल सा आपको समझाता हूँ, कोई भी साइज हो आप बड़ी ही सिंपल तरीके से काट सकते हो आपको, चलो मैं समझाने वाला हूँ। तो गाइस ये जो मैंने पीस लिया है, एक ये बेस्टेज पीस है जो मैं यहाँ पर कटिंग कर रहा हूँ आपको समझाने के लिए, ताकि आपके जो है दिमाग में अच्छी तरह से माइंड में अच्छी तरह से घुस सके। तो गाइस यहाँ पर देखें, अगर मैं इसी जगह पर
मैं कोई और चीज़ का फर्मा बना लेता, या यहाँ पर मैं रेता डाल देता या मिट्टी डाल देता, कोई भी चीज़ अगर मैं यहाँ पर प्लेन कर देता, तो उसमें मुझे इस तरह की मतलब क्वालिटी नहीं मिलती फर्मे, जिस तरह से ये देख सकते हैं पूरा इसका बैलेंस बना हुआ है, ये कोना टूटने के कोई भी चांस नहीं होंगे। अगर आप और चीज़ का यूज़ करोगे यहाँ पर, सैंड वगैरह यूज़ करोगे या मिट्टी वगैरह यूज़ करोगे प्लेन करने के लिए, बहुत से लोग करते हैं, एक शीट आती है तो उस पर भी टाइल कटिंग करने लगते हैं, तो उस पर भी जो है टाइल टूटने के काफ़ी ज़्यादा चांस रहते हैं। अगर आप इस तरह का फर्मा बनाओगे गाइज, तो किसी भी प्रकार की आप टाइल कटिंग कर सकते हो, चाहे बर्फी कटिंग हो, चाहे कोई और दूसरी कटिंग हो, कोई भी कटिंग हो, आप इसमें बड़ी ही आसानी से कटिंग कर सकते हो। तो गाइज यहाँ पर जो सिंपल सा मैं आपको समझाने वाला हूँ, जो ये वाला आपको पीस लगाना है, ये तकरीबन ऊँचा होना चाहिए, इस तरह से यहाँ पर आप देख सकते हैं। थोड़ा सा मैं कैमरामैन से कहूँगा कि जूम करके यहाँ पे दिखाएं। तो इस चीज़ को गाइस आपको ऊँचा करना है, ताकि जो हमारी जो ये वाली प्लेट है गाइस, ठीक है, ये इसमें फंस जाए। कुछ लोग करते हैं ये गलती करने लगते हैं, जो कि फंस जाए यहाँ पर। तो भाई सबसे पहले तो आपको इस चीज़ का ध्यान देना होगा कि जो ये वाला पीस है, ये हमेशा ही इस पीस से ऊंचा रहना चाहिए। कम से कम भी अगर आप इसको ऊंचा करोगे तो कम से कम आप 4 mm ज़रूर ऊंचा करें। अगर आप इसको ज़्यादा ऊंचा करोगे, 6 mm ऊंचा करोगे, तो उसमें आपको दिक्कत क्या आएगी गाइस, ये वाली जो प्लेट है, ठीक है, ये वाली, ये आपकी प्लेट जो है घिसनी स्टार्ट हो जाएगी, जो कि कटर में थोड़ा सा जोर पड़ने लगेगा। तो मेरे हिसाब से 4 या 3 mm इसको ऊँचा रखें, कोई भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। चलो अब मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि भाई स्कार्टिंग जो है किस तरह कटिंग करते हैं। तो भाई 4 इंची जो स्कार्टिंग है, वो कटिंग करने में कोई भी दिक्कत नहीं आती है, बड़े ही सिंपल तरीके से आप 4 इंची स्कार्टिंग कटिंग कर सकते हो। क्योंकि इसमें 4 इंची में मतलब सिंपल तरीका क्या है, ये भी आपको समझाने वाला हूँ। क्योंकि गाइस जो हमारी कटर की प्लेट होती है, ठीक है, तो वो कंपनी जो है 4 इंच की ही देती है, जिस तरह से ये mm में देती है, तो 4 से थोड़ी सी कम है। आप इसको 4 इंची से कटिंग 4 इंची में ही मानते हैं मिस्त्री लोग। तो ये 4 इंची कटिंग तो गाइस ये सिंपल हो जाएगी, इस तरह से अगर आप लगाओगे, इस तरह आपको प्लेट चलाना है और ये हो जाएगी आपकी प्रॉपर जो है 4 इंच की स्कार्टिंग कटिंग, ठीक है। अब बात आती है गाइस कि 3.5 इंची या 2.5 इंची या 2 इंची हम किस तरह कटिंग करेंगे, या 6 इंची वाई हम किस तरह कटिंग करेंगे। यहाँ पर मिस्त्री लोग उलझते हैं, काफ़ी ज़्यादा उलझते हैं। तो यहाँ पर सिंपल सा हमें क्या करना होगा, जिस तरह से थोड़ी सी पेंसिल ला के दो मेरे को। तो यहाँ पर आप जो है 4 इंची का तो मैंने आपको समझा ही दिया, तो अब आपको करनी होगी कि भाई हमें 6 इंची कटिंग करनी है गाइस। तो 6 इंची में क्या करना होगा, सबसे पहले तो आपको ये देखना होगा कि हमारी भाई जो कटर की प्लेट है, सब कटर की प्लेट गाइस थोड़ा सा अलग अलग साइज आता है, हल्का फुल्का फ़र्क होता है mm में होता है। कोई 4 इंची फिक्स होती है, कोई 4 इंची एक सूत होती है, कोई 4.25 होती है, कोई भाई 4.25 होती है। हर एक कंपनी की मतलब जो आप अलग अलग कंपनी का कटर लोगे, तो हर चीज़ में मतलब आपको थोड़ा बहुत फ़र्क मिलेगा ही मिलेगा, 100% मिलेगा ये। तो भाई अगर आपको 6 इंची कटिंग करना है, ठीक है, तो यहाँ पर आपको सिंपल सा क्या करना होगा, 6 इंची यहाँ पर निशान लगा लेना होगा, ठीक है, जिस तरह से हमें भाई 6 इंची हमें इस कटिंग काटनी है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं 6 इंची पर निशान लगा लूँगा, ताकि आप समझ सको बड़े ही सिंपल तरीके से, जिस तरह से मैंने ये 6 इंची पे निशान लगा लिया, ठीक है। तो भाई ये जो है मैंने थोड़ा सा कम दिख रहा है, जो थोड़ी सी ये कलर थोड़ा सा कम है, तो भाई मैंने ये जो है 6 इंची पर निशान लगा लिया, ठीक है। तो अब करना क्या होगा, जिस तरह से हमें ये कटर की प्लेट देखनी होगी कि भाई हमारी कटर की प्लेट कितने इंच की है, ठीक है। इस तरह से मेरी जो ये प्लेट है, तो यहाँ पर 4.25 इंच की जो प्लेट है, ठीक है, तो यहाँ पर मैं निशान लगा लूँगा 4.25 इंची पे एक और। पौने 4 इंची पे ये मैंने निशान लगा लिया है। तो अब मुझे सिंपल सा क्या करना होगा, ये हो गया मेरा टोटल जो है 6 इंची मेरा बन रहा है, ठीक है। अब 6 इंची बनने के बाद ये जो है मैंने गाइस ये वाला निशान है, ये वाला मैंने प्लेट के हिसाब से लगाया है, जो मेरी कटर की साइज है प्लेट, 4.25 इंची ये निशान लगाया है। अब जो ये पीछे बच रहा है गाइस, ये 2 इंची एक सूत बच रहा है, तो मैं क्या करूँगा, 2 इंची एक सूत की पट्टी काट लूँगा, पूरी ही एक पट्टी काट लूँगा, 2 इंच की, 2 इंची एक सूत, 2 इंची एक सूत की पट्टी काटने के बाद जो है इस पीस की जो मैं पट्टी काटूँगा, पट्टी में अलग से ही मुझे ऊपर रखना है, इस तरह से, जिस तरह से आप मान के चलो
ये पट्टी मेरी 2 इंची 1 सूत की है, ठीक है। यहाँ पर आना थोड़ा सा, 2 इंची 1 सूत की मान के चलो, मैं आपको समझा रहा हूँ, उदाहरण दे रहा हूँ एक। तो ये पट्टी है, इसको पकड़ के रखना यहाँ पर, सिंपल सी आपको अगर आप पट्टी 2 इंची 1 सूत की काटोगे तो वो ये वाले ज्वाइंट से, थोड़ा सा कैमरा मैन यहाँ पर दिखाओ, ये वाले जो ज्वाइंट है गाइस इसमें बिल्कुल ही प्रॉपर मिल जाएगी। उसके बाद जो है इस तरह से आपको ये कटिंग करनी होगी, ये वाला तरीके से। तब ये देखें, ये जो पट्टी है गाइस ये आपको हटानी नहीं है, सारे ही पीस में आपको लगा के रखनी है। जो आप 6 इंच का पीस काटोगे तो ये देखें गाइस, ये जो है मेरी प्रॉपर जो है 6 इंची, यहाँ पर दिखाओ थोड़ा सा कैमरा मैन, ये देखें गाइस ये प्रॉपर जो है मेरी 6 इंची कटिंग हो रही है, ठीक है। अब आप समझ गए, अगर अभी भी आपको कोई डाउट है गाइस कि भाई मुझे समझ में नहीं आई 6 इंची कटिंग किस तरह से करते हैं, तो भाई आपके लिए कमेंट बॉक्स खाली है, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। ये 6 इंच की बात नहीं है गाइस, कोई भी साइज रहे, 6.5 रहे, 5 रहे, 7 रहे, कोई भी साइज आप कटिंग कर सकते हो बड़े ही सिंपल तरीके से। उसके बाद भाई गाइस बात आती है कि जिस तरह से ये हमारी जो प्लेट है, ठीक है, अब आप ये जो मैंने आपको समझाया था ये प्लेट से प्लस समझाया था कि भाई प्लेट से प्लस किस तरह से हम कटिंग कर सकते हैं। अब बात आती है गाइस हमारी जो प्लेट है ये 4.25 इंच की प्लेट है, तो हमें कटिंग करनी है 3 इंच की, तो हमारी प्लेट है भाई 4 इंच की। अब हम 3 इंच की कटिंग किस तरह से करेंगे, बिल्कुल ही प्रॉपर सीधी। तो यहाँ पर भी भाई मिस्त्री लोग बहुत ज़्यादा उलझते हैं, तो उनके लिए भी मैं समझा दे रहा हूँ कि आपको 3 इंच की कटिंग किस तरह से करनी है, ठीक है। तो भाई सिंपल सा आपको यहाँ पर जो निशान लगाना है 3 इंची पर लगाना है इस तरह से गाइस, ठीक है। उसके बाद भाई यहाँ पर जो है जिस तरह से हमारा जो कटर जो कटिंग कर रहा था वो 4.25 इंची कटिंग कर रहा था, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर जो ये पट्टी लगेगी, जो ये पट्टी है यहाँ पर जो है एक पट्टी आपको फंसा देनी है। ये पट्टी जिस तरह से हमने अभी जो पट्टी फंसाई थी, तो हमने वो प्लस फंसाई थी मतलब ऊपर में। अब ये करना क्या होगा, ये आपको ये वाली धार में ही पट्टी फंसा देनी है 4.25 इंच की, ठीक है। इस तरह से ये देखिए खाली खाली आपको दिख रहा होगा ये वाला। तो यहाँ पर जो है अब आपको कटर तो चलाना है यही धार से, क्योंकि ये धार का साथ आपको छोड़ना नहीं है, इस धार से आपको हमेशा लगा के रखना है अगर आप फर्मे वाली कटिंग करना चाहते हो। तो ये वाली धार में देखिए अब जो हमारी कटिंग आएगी, अब जो हमारी जो कटिंग आएगी ये देखिए गाइस, ये 3 इंच की प्रॉपर कटिंग है। देखिए हम काट रहे हैं फरमे से, 3 इंच की प्रॉपर कटिंग आ रही है। ये देखिए कैमरामैन दिखाओ थोड़ा, ये देखिए भाई प्रॉपर जो है हमारी 3 इंच की है, और ये जो है हमारी 4 इंच की कटिंग थी, और ये जो थी हमारी प्रॉपर 6 इंच की। तो भाई तीनों कटिंग के बारे में मैंने आपको समझा ही दिया। तो भाई अगर अभी भी आपको कोई डाउट लग रहा है कि भाई मेरे दिमाग में नहीं फंसा, अच्छी तरह से नहीं फंसा, कोई अभी भी आपको डाउट लग रहा है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स ज़रूर करें। तो भाई ताकि मुझे भी पता लगे कि भाई अभी भी लोग नहीं समझ रहे हैं, तो आपको मैं एक पीस कटिंग करके दिखा दे रहा हूँ जो कि आप समझ सकते हो। मैं आपको ये भी बता दे रहा हूँ कि मिस्त्री लोग क्या गलती करते हैं, एक कटिंग आपको करके दिखा दे रहा हूँ मैं 4 इंच की, ठीक है। आ जाओ भाई। तो भाई सबसे पहले तो अगर आपको कटिंग करनी है, आपको सूखा कटर बिल्कुल भी नहीं चलाना है, आपको पानी से ही कटिंग करनी है ताकि जो है आपकी क्वालिटी आ सके कटिंग में, क्योंकि अगर आप सूखी कटिंग चला जाओगे ब्लेड काफ़ी ज़्यादा हीट हो जाएगा, लाल हो जाएगा, टैल को जो है इसकी धार जो है चटकने लगेगी, ठीक है। आप पानी अपने हिसाब से लगाएं, ताकि ज़्यादा पानी भी नहीं लगा दें, क्योंकि ज़्यादा पानी लगाओगे तो कटर में जो है करंट आने के चांस हो सकते हैं, आपको झटका लगेगा भाई, आप बोलोगे मुझे पानी नहीं लगाना है। तो इस तरह की सावधानी भी बरतनी, पानी जो है अपने हिसाब से लगाएं। तो उसके बाद गाइस अगर जो आप टाइल जो है अगर ग्लोसी टाइल है, चमक वाली टाइल है, तो उसमें क्या होता है स्क्रैचेस लगने के चांस होते हैं बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि ये जो प्लेट है गाइस लोहे की होती है, अगर हम लोहे की प्लेट इस पर सीधी चलाएंगे तो ये स्क्रैच लगने के चांस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो हमें इस चीज़ का ध्यान खास करके रखना है, एक गत्ते का यूज़ कर लेना है, क्योंकि भाई जो टाइल आपकी आती है उसमें बॉक्स तो होते हैं, गत्ते के बॉक्स होते हैं, तो आपको इस चीज़ पर रख लेना है, ठीक है। उसके बाद ही आप कटिंग करें, ताकि जो है आपकी कटिंग में कोई भी स्क्रैचेस वगैरह ना लग सकें, पकड़ के रखो भाई। और आपको जो कटिंग करनी है तो वो बड़े ही आराम से करनी है, ताकि आपको हड़बड़ी बिल्कुल नहीं करनी है। अगर आप जल्दबाजी करोगे तब भी आपका जो है पीस टूटने के चांस रहते हैं,
तो इसकी चीज़ को ध्यान रखते हुए आपको हड़बड़ी बिल्कुल भी नहीं करनी है, ठीक है। जिस तरह से मैं आपको एक पीस कटिंग करके दिखा दे रहा हूँ, चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। एक बात आपको खास करके ध्यान देना है, जिस तरह से ये जो मेरी कटिंग है, ठीक है, थोड़ा सा कैमरा मैन से मैं कहूँगा यहाँ पर थोड़ा सा दिखाएं, जैसे मेरी ये कटिंग एक इंची बची है, ठीक है, तो यहाँ पर करना क्या है, थोड़ा सा कटर को आहिस्ता आहिस्ता चलाना है ताकि जो कोना टूटने के चांस होते हैं गाइस इसी जगह पर होते हैं, सबसे ज़्यादा जो कोने टूटते हैं तो इसी जगह पर टूटता है, तो कटर को थोड़ा सा आप जोर कम लगाएं ताकि जो है ये कोना झड़ ना पाए। बिल्कुल ही आराम आराम से यहाँ पर कटिंग को लेकर जाना है, इस तरह से मान के चलो आप पहले गियर में गाड़ी चलाते हो उसी तरह से यहाँ पर जो बिल्कुल आस्ते आस्ते यहाँ पर लेकर जाओ कटिंग। देखो भाई एक चीज़ जो है मैंने कटिंग कर दिया, आपको लाइव दिखा दिया भाई कटिंग करके, उसके बाद आपको एक ये वाइपर लेना है जो कि आपको इस तरह से मारना है भाई, ये कचरा वगैरह वेस्ट कचरा इसको निकल जाए। उसके बाद भाई एक ड्राम में मैंने पानी भर रखा है जो कि आपको मैं इसमें उसको धो के दिखाने वाला हूँ। ये देखें भाई कितनी अच्छी क्वालिटी है ये, और बिल्कुल ही प्रॉपर ये जो मेरी टाइल कटिंग हुई है, कटिंग कटिंग हुई है बिल्कुल ही सीधी है। तो भाई ये देखें बिल्कुल ही प्रॉपर जो है सीधी कटिंग हुई है। इस चीज़ का आपको खास करके ध्यान रखना है कि कोई भी अगर आपको ग्लोसी टाइल काटनी है तो आपको इस तरह के गत्ते के पीछे ले लेने हैं ताकि कोई भी टाइल में स्क्रैच वगैरह ना लगे गाइस। तो गाइस आप कोई भी साइज की टाइल काट सकते हो, 4 की काटें या 2.5 की काटें, कोई भी साइज काटे, चाहे 1 फिट काटे 2 फिट काटे, तो आप समझ ही गए। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है भाई आपके माइंड में कि मुझे समझ में नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स ज़रूर कर सकते हैं, आपका डाउट मैं ज़रूर क्लियर कर दूंगा। तो भाई अगर आपको छोटी सी जानकारी हमारी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में।